Chris and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udaan. This is Ajit Singh. I hope you all are doing good and safe at home. मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा उन सबका जिन्होंने मेरी सेकंड वीडियो को बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट किया. इनफैक्ट विंग्स एक उड़ान की टीम को स्टार्टिंग से वो प्यार और सपोर्ट करते आए हैं, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच. इसी तरह प्यार और अपना सपोर्ट करते रहें और साथ में खुद भी हार्डवर्क करते रहें ताकि आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकें. ठीक है, उसके बाद अब रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट आई है JKPSC की असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसका हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है. उसको 1 वीक या ऑलमोस्ट 4 to 5 days हो गए उसको वीक हो. उसके कुछ लेक्चर स्टार्टिंग के लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें एक्सपीरियंस टीचर जो भी हैं वो आपको गाइड करेंगे किस तरह उसको सिलेबस कवर करना है, कैसे प्रॉपरली सब कुछ करना है. आप वो कोर्स जाके परचेज कर सकते हैं. धुरीना ऐप पे जाना है आपने, उसको परचेज करना है और उसको पूरी गाइडेंस अपने हमारे जो भी टीचर्स हैं एक्सपीरियंस टीचर वो उसके थ्रू गाइडेंस आपने लेनी है. बाकी जो भी इसकी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको आप जाएं और परचेज करें. हमने पहले 2 लेक्चर्स पढ़े हैं कंप्यूटर के, एक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और सेकंड लेक्चर पढ़ा था हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. आज हमारा 3rd लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. देखिए वैसे तो हम सबको पता ही है एप्लीकेशन कंप्यूटर का कहां कहां पे यूज है, हमारी लाइफ में कहां कहां पे यूज हो रहा है. ठीक है, बस एक रिवीजन के तौर पे ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में. अगर मैं बात करूं पिछले डिकेड की, मतलब 2011 से लेकर 2020 में, तो एंडिंग डिकेड में कंप्यूटर का हमारी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग की या फिर पिछले डिकेड के, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हमने स्टार्ट की है हर चीज में. कंप्यूटराइज आधार कार्ड स्टार्ट हुए, कंप्यूटराइज पैन कार्ड स्टार्ट हुए, कोई भी फॉर्म हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हर चीज हम ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, थ्रू कंप्यूटर कर रहे हैं. तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंड है अब किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर. ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर का चलो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से. बैंकिंग में तो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है. इनफैक्ट सब में आप देखिए कोई भी आप अपना कोई भी अकाउंट ओपन करने जाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कुछ भी ओपन करने जाते हैं तो वो आपका कंप्यूटर में होता है. डिटेल्स आपकी कस्टमर की हर एक डिटेल जो होती है वो कंप्यूटर में सेव होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक्यूरेसी भी होती है, उसकी रिलायबल भी है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम उसको कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, इसीलिए सारी चीजें उसमें सेव है, डिटेल्स, रिकॉर्ड्स. अब देखिए कि आप विड्रॉल करने जाते हैं, अगर ATM मशीन्स भी कंप्यूटर है, क्योंकि आप जब विड्रॉल करने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप ATM कार्ड इनपुट कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, जितने आपने अमाउंट ला लिया वो विड्रॉल हो जाएगा, या फिर आपने बैलेंस इंक्वायरी करना है, कुछ भी करना है तो विड्रॉल हो जाएगा. उसके बाद आपके डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट बैंक में आपके अकाउंट्स होते हैं, आप उनको थ्रू अपने मोबाइल ही यूज कर सकते हैं. आप अपना बैंक बैलेंस स्टेटस चेक करते हैं, आप समरी चेक करते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं, आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, आप पैसा रिसीव करते हैं थ्रू डिफरेंट एप्स, गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, सारा किसके थ्रू बैंकिंग, ये आप थ्रू कंप्यूटर करते हैं. करंट बैलेंस चेक कर रहे हैं, मेकिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट चार्जेस, ये सब. और इनफैक्ट ई पासबुक भी आपको पता है, पहले जाकर आपको बैंक में पासबुक अपने देना पड़ता वहां पे, वो मशीन पे करते थे, लेकिन आजकल मशीन्स बाहर ही हैं, आप खुद जाएंगे खुद ही उसको पूरा प्रिंटर अपने ट्रांजैक्शंस की डिटेल ई पासबुक में आप कर सकते हैं नोट डाउन. ठीक है, सेकंड आ गया इंश्योरेंस. इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखेंगे, आप चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, जिसका भी इंश्योरेंस है, आप उस इंश्योरेंस को जाएंगे तो वो आपका सारी डिटेल्स कहां पे, कंप्यूटर में सेव होंगी. डेटाबेस क्यों सेव करते हैं, ताकि वो स्टार्टिंग डेट जब आपकी डेट होगी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी इतनी होती है कि वो आपको इंसान लिखता है भूल जाता है, कॉपी में लिखेगा वो भूल जाएगा, मिसप्लेस हो जाएगी, बट कंप्यूटर में अगर डेटा सेव है तो वो एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में भी वो उसको सर्च आराम से फाइंड आउट कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग डेट, मैच्योरिटी डेट, बोनस, ये सब आपका रिकॉर्ड कहां पे होता है, ये सब कंप्यूटर में होता है. इंश्योरेंस का भी पार्ट बहुत कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है इनफैक्ट इंश्योरेंस में. एजुकेशन में कंप्यूटर प्रोवाइड, सबसे पहली बात जो आप टेस्ट, आप अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट देने जाएंगे, सब इंस्पेक्टर का, पटवारी का, जिसका भी टेस्ट देने, ऑनलाइन थ्रू होगा आपका. अगर इस बार ऑनलाइन होता है तो वो कैसे होगा, बैंकिंग का आप टेस्ट देते हैं थ्रू ऑनलाइन, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में माना जाता है कि एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, वहां पे कोई ऐसा नहीं माना जाता कि हाँ पीछे से कोई उसको पैसे देके या वगैरह कर लेंगे कुछ भी, वो बिल्कुल सारे बिलीव करते हैं, रिलायबल है कि आप हाँ वहां पे ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इट कम्स, ये रिलायबल है प्रोसेस. ठीक है,
इसीलिए ये सबसे पहले सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन आप लर्निंग लेते हैं, उसके बाद सेकंड बात में अगर करूं तो कंप्यूटर, आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं वो कहां पे देख रहे हैं, आप अपने घर पे हैं लेकिन थ्रू मोबाइल देख रहे हैं, तो कंप्यूटर देख रहे हैं आप मोबाइल वीडियो, ठीक है, तो इजिली आप लर्निंग कर रहे हैं उसके बाद, और साथ में लर्निंग करना सीखना समझना जो भी चीज कर रहे हैं थ्रू आप किसके कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं एजुकेशन में, और साथ में कोई भी रिकॉर्ड, देखिए हमारे पास रिकॉर्ड, हमारे पास स्टूडेंट जितने भी थे जितने हैं अभी स्टूडेंट जितने देख रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड कहां पे रहता है, कोई अगर हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं कोई भी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो उसका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। अभी जस्ट हमने धुरीना पे एक टेस्ट लॉन्च किया था जिसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स को हमने प्राइज देने थे, तो वो भी हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है, बट वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है इनफैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग में बात करूं तो एडवर्टीजमेंट, आपको पता है एडवर्टीजमेंट जो भी करते हैं आप, किसी भी चीज का प्रोडक्ट का एडवर्टीज कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज का किसी बाइक का कर रहे हैं, कार का कर रहे हैं, मशीन का कर रहे हैं, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज होता है, क्रिएट आर्ट ग्राफिक्स का यूज करते हैं, राइट रिवाइज प्रिंट आउट करके उसको प्रॉपरली करके, ताकि वो जो सेल हो आपका, उसकी जो सेल है आपकी प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, बट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर उसको आर्ट ग्राफिक्स उसको अट्रैक्टिव करते हैं ताकि वो क्या हो उसकी सेल ज्यादा हो। होम शॉपिंग, आप घर पे बैठे हुए शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप घर पे बैठे हुए अमेजोन ओपन करते हैं या फिर आप होम शॉपिंग नाप तोल आप थ्रू टीवी कर रहे हैं, वहां पे भी कैसे कर रहे हैं आप, थ्रू कंप्यूटर थ्रू मोबाइल कर रहे हैं आप, ठीक है। मार्केटिंग में भी उसका बहुत ज्यादा, हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर तो हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिसिन का रिकॉर्ड आप नॉर्मली अगर किसी शॉप में भी जाते हैं, ठीक है, किसी भी अगर आप केमिस्ट की शॉप में जा रहे हैं तो मेडिसिन का वो आजकल आपने देखा होगा कि वो सारा रिकॉर्ड अपना कंप्यूटर पे रखते हैं, कहाँ पे मेडिसिन है, किस ब्लॉक पे है, कहाँ पे पड़ी है, कितने उसके मेडिसिन रहेगी, अवेलेबल भी है या नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड कहाँ पे कंप्यूटर में रखते हैं। लैब्स में जाते हैं आप, डिस्पेंसरीज कुछ भी चीज होती है, पेशेंट जो भी मेडिसिन पेशेंट्स हो, स्कैनिंग जो होती है वो डायग्नोजिंग जो आप कर रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, ECG अल्ट्रासाउंड CT स्कैन सर्जरी जो भी सारी चीजें वो थ्रू कंप्यूटर हो रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग डिजाइन, आप डिजाइन देते हैं CAD, सबसे पहले कंप्यूटर एडिड डिजाइन, कंप्यूटर एडिड डिजाइन क्या करता है, प्रोवाइड्स क्रिएशन मॉडल कि वो जो इमेजेस को क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएट करते हैं और डिजाइन देता है आपको कुछ भी डिजाइन, वो थ्रू आप कंप्यूटर करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या करेंगे आप, बड़ी बड़ी जिसमें आप कोई सबमरीन बनती है, शिप बनती है, आप एरोप्लेन बनाते हैं, वहां पे कितना स्ट्रेस, वो कितने लेवल पे जाके उसका कितना स्ट्रेस होगा, वो सारा चेक कहां पे होता है, वो थ्रू कंप्यूटर चेक होता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल में, आर्किटेक्चरल में कोई भी डिजाइन हो आपका, 3D डिजाइन हो, 2D डिजाइन हो, वो कहां पे करते हैं आप, थ्रू कंप्यूटर करते हैं, ठीक है। मिलिट्री में मॉडर्न टैंक्स जो बन रहे हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं थ्रू कंप्यूटर, मिसाइल्स वेपन थ्रू कंप्यूटर, जो कंट्रोल होता है मिसाइल का वो थ्रू कंप्यूटर होता है उनका, मिलिट्री कम्युनिकेशन कैसे होती है थ्रू कंप्यूटर, ऑपरेशंस जो होते हैं प्लानिंग स्मार्ट वेपन्स, ये सारा थ्रू कंप्यूटर। अल्टीमेटली यही बात मैं कहना चाहूँ कि हर चीज में आजकल इन्वॉल्वमेंट किसकी है, कंप्यूटर की ही इन्वॉल्वमेंट है। वो इसलिए इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इसका, अगर आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था कि ये बहुत ही वर्सेटैलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, रिलायबल बहुत ज्यादा है, ये इंटेलिजेंस है क्योंकि ये थकता नहीं है, दिन रात काम करता है। रडार जो होते हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही सेट किया जाता है उनको, वो दिन रात हमारे बॉर्डर का ऊपर पूरा सैटेलाइट के थ्रू वो पूरा रडार अपना नोट डाउन करते हैं, पूरा उसको देखते रहते हैं कि किसी का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम, ये सारी चीज एक्शंस पे रखते हैं, वो थ्रू किसके, कंप्यूटर के हो रहा है। इंसान थोड़ी खड़ा होके हम 24 घंटे या इतने टाइम देके खड़ा रहेगा और वो देखेगा हाँ ये सब कुछ कंप्यूटर कह रहा है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस है, वो कभी थकता नहीं है। इन करेक्टरिस्टिक्स वजह की वजह से ही कंप्यूटर का आज इतना ज्यादा, हम इतने ज्यादा उस पर डिपेंड हो गए हुए, ठीक है। मिलिट्री में भी है, कम्युनिकेशन में आप मैसेज कर रहे हैं, आप कमेंट करेंगे, मुझे आपका कमेंट थ्रू कंप्यूटर मिल रहा है, मुझे पता लग रहा है, जिसमें आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं वो भी थ्रू कंप्यूटर ही कर रहे हैं आप, मेल कर रहे हैं, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ई मुलाकात। अगर आज आपने, आपको पता होगा LG जो हमारे मनोज सिन्हा, इनसे ई मुलाकात का टाइम, JK ई गवर्नेंस के थ्रू आप इनसे मुलाकात, कोई भी आपके ग्रीवियंसिस हैं आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, आप इनसे बात कर सकते हैं, अपने विलेज का, अपने एरिया का कोई भी प्रॉब्लम है आप उनके आगे रख सकते हैं, जिसके ऊपर फर्दर वो काम करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और अवाम की आवाज, ये अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि लोकल जितने कोरोना वायरस के टाइम भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में से भी आई थी, जो की बात ये आगे रखते थे, थ्रू रेडियो आपको मिलता है,
ठीक है, थ्रू टीवी आपको ये आवाम की आवाज का पता है, थ्रू मैगजीन पता चलता है, थ्रू आपको आर्टिकल्स पता चलता है, ठीक है। ये क्या, आप देखिए कम्युनिकेशन इसका हर जगह रोल है इसका। गवर्नमेंट सर्विसेज में आप जो मेल और फीमेल का रेशियो अगर देख रहे हैं आपकी, हाँ जम्मू कश्मीर में कितना मेल और फीमेल का रेशियो, हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, दिल्ली में कितना, वो कैसे पता लग रहा है, वो थ्रू कंप्यूटर पता चलता है। आप जो पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, थ्रू कंप्यूटर पता चल रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स का, बजट का, सेल्स टैक्स का, कितना सेल्स हुए, कितना हमने इनकम टैक्स जनरेट किया है, कितना हमने लेना है, कितना पेंडिंग है, वेदर फॉरकास्टिंग, ये सारी की सारी चीजें आपने थ्रू कंप्यूटर। और लास्ट एप्लीकेशन, इनफैक्ट लास्ट नहीं है ये, एप्लीकेशन में लिखने आऊं तो इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस लिख सकता हूं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए आपको नॉर्मल की किन किन चीजों पे कंप्यूटर का, ये बेसिक है कि मैं आपको बता रहा हूं मेजर एरियाज में कि कहां कहां पे कंप्यूटर का मेन रोल। फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, जब बिजनेस पे आप करते हैं, बिजनेस पे हम रिलायबल हैं इतना ज्यादा, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी अगर प्रोप्राइटर है वो काम कर रहा है, सिंगल है, पार्टनरशिप में, या जहां पे भी वो काम कर रहे हैं, तो वो थ्रू कंप्यूटर अपना करते हैं सारा काम, जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जितना डेटा होता है, वो सारा फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग वो अपना देखते हैं कि आगे, इनफैक्ट ये सेल्स एनालिसिस कि हमारा इस बार कितना प्रॉफिट में, इस बार कितना लॉस है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, कितना होगा, पे रोल, जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनका सारा डेटा रिकॉर्ड रखना, पेमेंट गई है रिकॉर्ड, हर चीज, अटेंडेंस बायोमेट्रिक थ्रू होती है, हर चीज, मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस और मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, हर चीज। तो इनफैक्ट ये इन टोटल में आपको ये बोलना चाहूंगा कि कंप्यूटर का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कंप्यूटर के, इससे भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जिसपे आप यूज कर सकते हैं, बट ओवरऑल आप रिलेट कर सके, मैंने आपको मेजर बता दिया है ताकि आप रिलेट कर सके कल को क्वेश्चन। और देखिए ये टॉपिक आपको वैसे ही आपके सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है, पढ़ाना तो एज अ टीचर मुझे पढ़ाना है ये आपको टॉपिक, ठीक है, चाहे आपको बोर लगे जो भी हो, लेकिन मुझे ये पढ़ाना है टॉपिक, क्योंकि और देखिए अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन भी लिखा है कि लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, और 1 मार्क का क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। पहला था डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने अभी आपको बताया कम्युनिकेशन में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ये सामने है, और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्या चीज थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, कोई भी आप इनपुट दे रहे हैं उसको डेटा बोलेंगे, इनपुट रॉ इन द फॉर्म ऑफ रॉ होता है, वो डेटा होता है, और जब आपको आउटपुट में मिलता है वो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जब डेटा आप दे रहे हैं, डेटा प्रोसेस, तो क्या डेटा प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, कंप्यूटर ही तो करता है, कंप्यूटर की ही एप्लीकेशन है ना, तो इसीलिए ये आएगा, तो इसका मतलब ये तीनों कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये तीनों का तीनों, ठीक है। 1 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने लास्ट टाइम रिजल्ट देखा होगा, 1 मार्क्स में ही 200-300 स्टूडेंट्स का गैप आता है, ठीक है, अगर इसीलिए ये एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन ये लास्ट टाइम भी, ये भी एक फैक्ट है कि लास्ट टाइम में कंप्यूटर 30 मार्क्स का था और इस टाइम कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, लेकिन ये जो पहला टॉपिक है बेसिक एप्लीकेशन एंड इट्स कंपोनेंट, इन दोनों में से मे भी हो सकता है 1 मार्क का यहां से भी आ सकता है, और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यहां से भी आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए पहले भी मैंने आपको डायग्राम बताई है, लेकिन इस बार पहले थोड़ा मैंने ब्रीफली बताया था, इस बार थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, बट थोड़ा ज्यादा पहले से डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। ये डायग्राम आपको पता है, इनपुट आउटपुट सीयू एएलयू प्राइमरी, यस प्राइमरी स्टोरेज, इसको मैं लिखूंगा ये है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इनपुट में आप कोई डेटा दे रहे हैं, कोई सिग्नल दे रहे हैं आप, ठीक है, वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कहां पे होगा, प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होगा, और कहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑर्गेनाइज्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगी आपको, आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहां से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट ये आ गया, सीपीयू ये आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये आ गए, ठीक है। ये मेनली 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट मैंने आपको बोला, आप कोई भी यूजर, जैसे आप यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल, सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या कुछ लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपने क्या किया, इनपुट क्या दिया, अब यूट्यूब ओपन किया आपने मोबाइल में, गूगल क्रोम में गए, आपने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब में जाके आपने विंग्स एक उड़ान सर्च किया, कंप्यूटर लेक्चर सर्च किया, और आपको मेरा लेक्चर ओपन हो गया।
आपने क्या किया, इनपुट दिया विंग्स एक उड़ान, फिर उसके बाद कंप्यूटर लेक्चर, ठीक है, ये आपने किया, इनपुट दिया ये आपने, इनपुट देने के बाद आपको मेरा वहां पे लेक्चर आपने प्ले किया, प्रोसेस किया कंप्यूटर में, और आपको आउटपुट क्या हुआ, मॉनिटर में आपको डिस्प्ले हुआ, क्या हुआ, मेरी वीडियो जो है वो डिस्प्ले हुई कंप्यूटर की, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन, जो हम डेटा देते हैं, देखिए आप जो डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, वो अपने प्रोग्राम है उसका, ठीक है, वो अपनी प्रोग्रामिंग है वहां पे, वो उस लैंग्वेज को समझता है। आजकल इनफैक्ट जिसमें मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, फिफ्थ जनरेशन में क्या कोशिश कर रहे हैं हम फिफ्थ जनरेशन में कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब KIPS का मतलब क्या था, मतलब हम कंप्यूटर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नेचुरल लैंग्वेज समझो, हम जो बोल रहे हैं आप समझो, हम उसको इतना ज्यादा एडवांस कर रहे हैं कि वो क्या समझ रहा है, वो हमारी भाषा समझ रहा है। आप उसको अपना क्या कर रहे हो, आप उसको फिंगरप्रिंट उसको टच कर रहे हो, वो ओपन हो रहा है, मतलब वो आपके फिंगरप्रिंट को समझ रहा है। आप उसको बोल रहे हो गूगल असिस्टेंट, आप उसमें कुछ डायल कर कुछ बोलते हो, आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, पंजाबी में बोलो, वहां पे आप वो समझ रहा है, मतलब वो नेचुरल लैंग्वेज की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, वो जिस हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में दे रही है, बट वो उसको क्या, वो उसको डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में डिकोड करेगा, मतलब इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है कोडेड इंफॉर्मेशन, जो हम दे रहे हैं वो कोडेड इंफॉर्मेशन है, और इनपुट बाय द यूजर, वो कोडेड इंफॉर्मेशन में एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूजर, वो क्या कर रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन और कोई भी डेटा को क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट में क्या आ रहा है, आउटपुट यूनिट में आता है दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट्स टू द यूजर, मतलब आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, वन मिनट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द PSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्पिरेंट्स। विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स, यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपरली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन, उसके साथ-साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, MCQ सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो PSC और UPSC के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी, मैंने वो वाइब्रेशन पे नहीं देखा था, साउंड पे था। तो कहां पे थे हम, आउटपुट यूनिट में। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट्स, मतलब आउटपुट यूनिट में क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट यूनिट में मिल रहा है आपको जो भी प्रोसेस हुआ है, आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेरी वीडियो ओपन कर रहे हैं, वो प्रोसेस हो गया, आउटपुट में आपको क्या, मेरी वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है, वो मिल रहा है आपको मॉनिटर में। It is mainly used to display the desired result. जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिला as per input instruction. आपने input दिया था विंग से एक उड़ान, तो विंग से एक उड़ान ही ओपन होगा। विंग से एक उड़ान आपने ओपन किया तो इसका मतलब नहीं कोई और चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मॉनिटर और प्रिंटर में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कोडेड इन्फॉर्मेशन एंड, और ये क्या काम करेगा, ये जो कोडेड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो अब पहले हमने क्या किया, इनपुट में दिया, कोडेड में था, कंप्यूटर ने उसको अपनी लैंग्वेज में किया कन्वर्ट, डिकोड किया, फिर उसने जब दोबारा हमें आउटपुट दिया, फिर क्या किया, उसने वापस उस लैंग्वेज को चेंज करके हमारी लैंग्वेज में जो हम समझते उस लैंग्वेज में उसने हमें वापस क्या किया, प्रोवाइड कर दिया। ये आउटपुट का काम हो गया, पहला कंपोनेंट खत्म हमारा, इनपुट आउटपुट यूनिट, ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या आ गया, CPU। CPU क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए मैं वैसे आपको यहां पर एक चीज कंप्यू, यहां पर यूनिट लगा हो ना कहीं पे भी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है, उसके बाद CPU यूनिट, मेमोरी यूनिट भी लगाते हैं। यूनिट का मतलब सिंपली यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, कि सिंपली इसका यूनिट का मतलब होता है प्लास्टिक या मेटल, जो भी चीज, जैसे आपका CPU है, CPU को वो कवर हुआ होता है या प्लास्टिक से कवर हुआ होगा या मेटल से कवर हुआ, लेकिन मेन जो फंक्शन होता है उसके अंदर होता है कार्ड जो होता है, वो जो बाहर का फ्रेम होता है ना उसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्लियर, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ, ये कैसे बनता है, किन से बनता है, ठीक है, It consists of set of resistors ALU, CU, which together interpret and execute instructions in particular language.
ये क्या करता है, कोई भी आप जब इंस्ट्रक्शन इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने के बाद क्या कर रहा है वो, आप वो इंटरप्रेट आपस में वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इंटरप्ट करेंगे, बात करेंगे, कुछ करेंगे अपनी लैंग्वेज में और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। किसके अंदर हो रहा है ये सारा काम? ये सारा काम सीपीयू के अंदर होता है, मतलब प्रोसेस का काम किसके अंदर हो रहा है, सीपीयू के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज में वो सीपीयू अपनी लैंग्वेज में वो कर रही है ना, जितना भी काम मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं अपनी लैंग्वेज, मैं वो लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो आप समझ पा रहे हो। अब कंप्यूटर जो अंदर अपनी लैंग्वेज समझ रहा है वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा ना, इसलिए इन पर्टिकुलर लैंग्वेज वो खुद इंटरप्रेट करते हैं। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का मेन काम क्या है, सीपीयू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब मेन मेमोरी आ गया आपका ये, इसी को मेन मेमोरी बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी भी बोलेंगे, मेन मेमोरी भी बोलेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी मेमोरी भी और मेन मेमोरी भी। तो मेन मेमोरी को क्या करेगा, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस जो डेटा, मतलब आप जो चीज दे रहे हो एक किस्म का, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कंप्यूटर को, हाँ भाई ये काम करो, मैं आपको ये काम दे रहा हूं, ये काम करो, इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपकी, ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इनपुट डेटा कर रहे हैं फ्रॉम, वो क्या करेगा ट्रांसफर मेन मेमोरी से रजिस्टर को ट्रांसफर करेगा। मतलब जब आपने इनपुट दिया, सबसे पहले इनपुट देने के बाद वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट उसको मेमोरी में ट्रांसफर करता है, फिर मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से वो मेन मेमोरी क्या कर रही है, वो इंस्ट्रक्शंस उस डाटा को कहां पे ट्रांसफर कर रही है, वो डेटा में ट्रांसफर कर रही है, कहां पे कर रही है, डेटा में ट्रांसफर, सॉरी रजिस्टर में ट्रांसफर कर रही है। और रजिस्टर भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, रजिस्टर क्या करेगा वो काम, अब वो क्या करेगा रजिस्टर में, ये सबसे पहला काम आ गया, ट्रांसफर करेगा मेन मेमोरी से रजिस्टर में, फिर क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को, उसको प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट मतलब उसको काम करेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा आउटपुट डेटा फ्रॉम, जब आउटपुट देना आपने वो क्या करेगा उस रजिस्टर से वापस क्या करेगा मेन मेमोरी में सेंड करेगा, रजिस्टर से पहले मेन मेमोरी से रजिस्टर में उसको एग्जीक्यूट किया, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा वो रजिस्टर सॉरी रजिस्टर से वापस मेन मेमोरी में दे देगा, ठीक है, समझ गए इतना। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या आ गया, कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ सीपीयू, ठीक है। फंक्शंस क्या फंक्शन काम करता है वो, फेच, फेच का मतलब होता है लाना, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं आप ले रहे हो, फेच लाना, ठीक है, फेच द इंस्ट्रक्शंस। सिर्फ मैंने आपको अभी पीछे बताया, जब आप इनपुट दे रहे हो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस कहां पे जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस मतलब डेटा कहां पे जाएगा, आपका डेटा जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, आया कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा डिकोड करेगा उसको, डिकोड क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसने तो अपनी लैंग्वेज समझनी है ना, अपनी लैंग्वेज में बात करेगा ना, या आपकी बात में जो आपने लिखा वही समझ जाएगा वो, नहीं वो अपनी बात समझेगा, उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद क्या करेगा कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। देखिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस का मतलब ये क्या हो गया, आप कोई भी डेटा दे रहे हैं ना, ठीक है, आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं, हर इनपुट का अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होगा, जैसे आपका एक अपना एड्रेस है, आपके फ्रेंड का अपना एड्रेस है, इसी तरह हर डेटा का अपना एड्रेस होता है, वो क्या करेगा उस एड्रेस को सेव करेगा डेटा को, कि कल को आपको वो डेटा वापिस चाहिए तो वो क्या करेगा प्रोसेसर वापस जाके उस एड्रेस को सर्च करेगा ताकि वो डेटा आपको वापस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। डेटा को क्या करेगा, उसका सीयू का क्या काम है, वो उसके डेटा को एड्रेस को सेव करेगा और फिर एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस मतलब आगे, ये काम नहीं करता एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट जो करता है वो ALU करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो काम करता है एग्जीक्यूट प्रोसेस कौन करता है, ALU ऑपरेशंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया ALU, ये आपको समझ आ गया, ALU क्या हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एग्जीक्यूट करेगा सारे के सारे ऑपरेशंस को, अरिथमेटिक का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ये सारे काम कौन करेगा अरिथमेटिक करेगा। उसके बाद लॉजिक कौन करेगा, लॉजिक क्या करेगा कंपेयर करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन बी, सी C is greater than equal to condition, अच्छा अगर A is equal to B भी है, greater than B है, less than B है, तो फिर क्या condition possible है, कोई भी condition possible है तो वो condition दूसरी possible, ये सारे काम क्या करेगा, AND और NAND gate, ये सारे electronics जब आप
चिप बनाते हैं कोई, तब वहां पे ये गेट्स जरूरत पड़ते हैं, वो सारे काम कौन करता है? लॉजिक ऑपरेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया, ALU इज ऑल्सो कॉल्ड कोर ऑफ द CPU। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको देख सकते हैं आपकी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कोर ऑफ द CPU। ALU को कोर ऑफ द CPU बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कोर ऑफ द CPU बोलते हैं, आपने मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेंगे, लैपटॉप लेंगे, कुछ भी लेंगे, वहां पे आपको जो भी सेलर होगा वो जरूर ये बोलता बोलेगा डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टेट कोर है, ये सारा बोल। अब आपको सुना तो आपने बहुत बार होगा कोर, आप अपने लैपटॉप में भी देखें वहां पे भी कोर लिखा हो, इस कोर का मतलब क्या है? मैंने बोला इज ऑल्सो कॉल्ड कोर ऑफ द, इसको कोर भी बोलते हैं, तो मतलब डुअल कोर का मतलब दो कोर, मतलब दो ALU, मतलब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फोन में है या लैपटॉप में है, वहां पे कितने कोर लगे हुए हैं? दो कोर मतलब दो ALU लगे हुए हैं, मतलब जो एक ऑपरेशन कर रहा था काम, पहले एक ALU काम कर रहा था, अगर वहां पे दो लग गए तो दो ALU साथ में काम करेंगे, तो मतलब आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। देखिए जहां पे एक ALU काम कर रहा है, जहां पे एक लेबर काम कर रही है, काम आस्ता हो रहा है, वहीं पे दो लेबर काम करेगी, काम फास्ट होगा, चार करेगी और तेज होगा, आठ करेगी और तेज होगा, बस सेम काम यहीं पे है। अब माइक्रो प्रोसेसर में जब एक ALU लगा है तो स्लो काम कर रहा है, दो लगेंगे तो ज्यादा तेज काम करेंगे, तो इसलिए डुअल कोर क्वाड कोर। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये काम क्या करता है, ये डुअल कोर लगा है क्वाड कोर, इसी कोर को जब आपके एक माइक्रो प्रोसेसर में एक ALU, CPU में एक ALU होता है और माइक्रो प्रोसेसर पे मल्टीपल ALU लगा सकते हैं, ठीक है। जब एक ALU लगा आपने डेटा दिया, आपने डेटा कितने बिट का दिया, सपोज 100 बिट का आपने डेटा दे दिया, कितने बिट का डेटा आपका 100 बिट का, 1 बिट तो पता ना आपको सबसे स्मॉलेस्ट होता है मेमोरी, 0 एक बिट है, 01 फॉर्म, ठीक है, ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, ठीक है। आपने 100 बिट मतलब इसी तरह के 1 to 100 बिट्स दिए आपने, अब आपका ALU लगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, रजिस्टर पे डिपेंड करता है, यहां पे मैं रजिस्टर भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए रजिस्टर पे डिपेंड करेगा ये, अगर 2 बिट रजिस्टर लगा हुआ है, 4 बिट रजिस्टर लगा है, 8 बिट लगा है, 16 बिट रजिस्टर लगा हुआ है, अगर सपोज करते हैं आपका 2 बिट रजिस्टर लगा हुआ है, अगर आपका 2 बिट रजिस्टर लगा हुआ है तो उसका मतलब वहां पे 2 सेल है। रजिस्टर क्या करता है, जिसमें आप कोई भी डेटा देते हो ना, सबसे पहले डेटा कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी से वो रजिस्टर में सेंड करते हैं, तो रजिस्टर उस डेटा को कहीं पे रखता है। जैसे आपके पास कोई सामान आप पॉकेट्स में रखते हैं, 4 पॉकेट्स हैं आपके पास, 2 पॉकेट्स हैं, 2 पॉकेट में रखोगे, उस तरह रजिस्टर के पास पॉकेट्स होते हैं, उन पॉकेट्स को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। उन पॉकेट्स को ये लिखा होता है, रजिस्टर यूजेस द सेल टू होल्ड द बिट, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। मतलब उन सेल में क्या रखेगा, डेटा रखेगा, कौन रखेगा, रजिस्टर रखेगा। अब 100 बिट का डेटा डाला मैंने, अब रजिस्टर आपका 2 बिट का है, तो वो 100 बिट थोड़ी लाएगा, वो क्या करेगा, 2 बिट स्टोर करेगा, मतलब पहले 2 बिट रखेगा, फिर डिवाइड कर देगा सबको 2 बिट्स में, उसी को बोलते हैं डिकोड करना। डिकोड करना किसको करते हैं, आप 100 बिट का डेटा दे रहे हैं बट वो क्या कर रहा है, 2 बिट में सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब डिकोड कर रहा है वो 2 बिट में, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट ही आपके पास उतना ही सेल है, आपके पास रजिस्टर ही 2 बिट का कि आप 2 ही वहां पे बिट रख सकते हैं, ठीक है। आपने रखा 2 बिट, सपोज यहां पे आपने रखा 0 1, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं सेल, और इनको क्या बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, ये हम पढ़ेंगे, कोई बात। आपने यहां पे रखा 2 बिट रख दिया आपने यहां पे, ठीक है, 2 बिट रख दी। अब ये एक ALU था, एक ALU में 2 बिट रखे, ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अगर इनकेस मैंने इसी प्रोसेसर में, इसको बोलते हैं पहले एक ALU में दोनों होना शुरू हुई, इसको बोलेंगे सीरीज प्रोसेसिंग। कौन सी सीरीज, मतलब पहले इसको करेगा, फिर अगला डेटा आएगा 2 बिट का, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर अगला आएगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलेंगे आपको उसको, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने, तो टाइम स्लो है, ऑब्वियसली स्लो काम करेगा ये, लेकिन जब आपने ALU लगाया, एक माइक्रोप्रोसेसर में 2 ALU लगाए, ठीक है, 2 ALU, इसका भी अलग रजिस्टर होगा, इसका भी अलग रजिस्टर होगा, 2 2 बिट का, तो 2 बिट यहां पे आएगा, 2 बिट यहां पे आएगा, ठीक है, मतलब 4 बिट एक टाइम पे काम कर रहे, तो काम तेज होगा, तो मतलब प्रोसेसर तेज हो गया, ठीक है। वहीं पे 4 ALU लगे हैं, तो 2 बिट यहां पे, 2 बिट यहां पे, 2 बिट यहां पे, 2 बिट यहां पे,
प्रोसेसर और तेज हो गया, ठीक है, प्रोसेसर तेज हो रहा है क्योंकि एएलयू लग रहे हैं, जितने ज्यादा एएलयू होंगे उतना ज्यादा आपका प्रोसेसर तेज होगा, ठीक है। और जब मैंने आपको पहले बताया कि एक एएलयू लग रहा है वो चेक करें, सिक्वेंशियल बोलेंगे इसको, लेकिन जब दो एएलयू लग जाते हैं तो दोनों का साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ दोनों का जब प्रोसेसिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। सिर्फ ये समझाने के लिए मैं कर रहा था कि पैरेलल प्रोसेसिंग किसको बोलेंगे, जब दो एएलयू लगे हैं और दोनों एएलयू में अलग अलग एग्जीक्यूशन अलग अलग प्रोसेस काम कर रहा है तो उनको पैरेलल करेंगे, एक एएलयू लगा उसमें एक ही काम करता है उसको सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये भी आ गया, ये क्लियर हो गया। रजिस्टर्स, रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन एज बिट, ये मैंने आपको बताया, बिट 2 बिट 4 बिट 8 बिट रजिस्टर 16 बिट, ये सारे रजिस्टर्स आ गए। अगर 8 बिट लगा है तो मतलब एट अ टाइम क्या करेगा, वो 8 बिट को स्टोर करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। रजिस्टर यूजेस द सेल टू होल्ड द बिट दैट इज कॉल्ड, जो वो सेल जिसमें होल्ड करता है बिट को उसको क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप। आ सकते हैं इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आपको आ सकता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया, मेमोरी यूनिट, हमने कौन कौन से पढ़ लिए, इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, सीपीयू का कौन सा पढ़ लिया, सीयू पढ़ लिया, कंट्रोल यूनिट एएलयू भी पढ़ लिया, रजिस्टर्स भी पढ़ लिए। अब आ गया मेमोरी यूनिट, फिजिकल डिवाइस, इसमें क्या करेंगे आप, इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, या टेम्परेरी स्टोर करेंगे या परमानेंट स्टोर करेंगे, ठीक है। रैम, एग्जाम्पल रैम, रोम, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, ये मेमोरी यूनिट। इन सब में क्या कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। अब हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स, मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी, प्राइमरी इसको नाम ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ काम करती है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ काम करती है इसलिए इसको प्राइमरी बोला हुआ है, और ये डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ काम नहीं करती इसलिए इसको सेकेंडरी बोला हुआ है। प्राइमरी का क्या हो गया, पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, ये प्रोसेसर का हिस्सा है, अलोज प्रोसेसर टू असेस रनिंग। अब देखिए कोई भी काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, अभी कुछ भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम रैम के ऊपर हो रहा है। रैम की फुल फॉर्म मैं आपके आगे भी थोड़ी बताऊंगा, वैसे बता देता हूं आपको, रैंडम एसेस मेमोरी होता है, ठीक है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर में, सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ, आप कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सारा काम ही कर रहे हैं रैम पे, रैम के ऊपर कर रहे हैं, रैम ओपन है तो यूज कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी में रैम भी आएगा, रोम भी आएगा, कैश मेमोरी भी आएगी और वर्चुअल मेमोरी, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मतलब कि ये सारे का सारा क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेसर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको मैं आगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर कैप्ट इन लॉन्ग टर्म। सेकेंडरी मेमोरी आप जिसमें डेटा रखते हैं फर्दर यूज करने के लिए, क्या आगे आपको जरूरत है, लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत है आपको, वो चीज आप वहां पे सेव करें, इसलिए सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, सीडी का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी को हो गया क्या हो गया, डिस्प्ले वीडियो डिजिटल, ठीक है, एसडी हो गया सिक्योर डिजिटल कार्ड, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारी किसकी आ गई, सेकेंडरी की आ गई, ठीक है। रैम, अब हमने रैम पढ़ी थी, रैम कौन सी मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी थी, जो भी काम कर रहे हैं आप उसके कंप्यूटर के ऊपर वो रैम के ऊपर हो रहा है। रैंडम एसेस मेमोरी बोलेंगे इसको, इट इज अ मेन मेमोरी क्योंकि ये प्रोसेसर के साथ काम कर रही है। टेम्पररी मेमोरी, आप अगर रैम, रैम रीड रैंडम एसएमएस, ये क्या होती है, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी लाइट या फिर आपका फोन यूज कर रहे हैं आप, ओपन किया हुआ आप चल रहा फोन, आपकी 1% बैटरी है और आपके डेड हो गया फोन, ठीक है, आप उसके बाद चार्ज करेंगे, आप ओपन करेंगे वापस यूट्यूब ओपन होगा, नहीं, आप क्या ओपन करेंगे वापस सॉन्ग ओपन होगा, नहीं, आप क्या ओपन करेंगे वापस वहीं पे वही पेज आएगा व्हाट्सएप का, नहीं, ये वही पेज नहीं आएंगे आपके, क्यों, क्योंकि ये टेम्पररी है, वोलाटाइल है, ये क्या हो जाएगी, ओपन करने के साथ क्या हो जाएगी, वोलाटाइल, ये गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इट इज अ डिस्प्ले मेमोरी, डिस्प्ले क्यों, मैंने अभी आपको बताया, जो भी काम आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं वो रैम के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्ले मेमोरी, ऑल्सो नोन एज फिजिकल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी क्या आ गया, रीड ओनली मेमोरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोस चिप। बायोस चिप का मैंने आपको बताया था कि जो जब ये क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेट, जब आप ऑन करते हैं उसके बाद ये सेकेंडरी मेमोरी से क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी पे लोड करता है, रैम पे लोड करता है, बायोस का ये काम होता है, ठीक है। अब जब जैसे ही आप ऑन करते हैं, ये ऑन
अच्छा ये परमानेंट होता है, रोम क्या होता है, ये परमानेंट है। जैसे एग्जांपल बताई मैंने, हार्ड डिस्क आ गया, पेन ड्राइव आ गया, मेमोरी कार्ड आ गया, निकाल के लेके किसी टाइम भी आप इसको किसी भी जितनी देर मर्जी रख सकते हैं। आप पुरानी मेमोरी डालेंगे वापस, क्या होगा, आपको वही मेमोरी सारी मिल जाएगी, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि ये आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं लाइट चल जाए, जो मर्जी हो जाए वो वहीं पे सेव रहेगी, ठीक है। बायोस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्मवेयर, क्योंकि ये हो सकता है ये आपको क्वेश्चन आ जाए, फर्मवेयर, फर्मवेयर क्यों है ये, बायोस को फर्मवेयर क्यों बोलते हैं। देखिए बायोस जो होता है ना वो रोम के अंदर इंस्टॉल होता है, रोम, ROM, रोम के अंदर इंस्टॉल होता है बायोस की सेटिंग। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, बायोस का ये काम होता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी पे लोड करे, और ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, मतलब इनबिल्ट होता है। जिस भी फर्म में ये बन रहा है ना, जिस भी फर्म में, जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी कंपनी में ये बन रहा है, ये मदरबोर्ड बन रहा है, जिस भी फर्म में, उस फर्म में ये बायोस प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसीलिए इसको फर्मवेयर बोलते हैं, क्योंकि ये फर्म में ही ये इनबिल्ट होकर आता है, इसलिए इसको फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल आ गया। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी, इट इज बिल्ट इन द प्रोसेसर, इसको प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट होती है, इट इज सप्लीमेंट्री ऑफ। देखिए अब मैं आपको बता दूं, कैशे मेमोरी मैंने आपको पहले बताया था एड्रेस, कहां पे एड्रेस, कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, ये कहां पे हमने कंट्रोल यूनिट के अंदर पढ़ा था। अब देखिए कैशे मेमोरी वहां पे हेल्प करती है, क्या, जब आप डेटा देते हैं ना उसके साथ एड्रेस आता है ना, जब भी वो एड्रेस जो नोट डाउन करता है ना वो कैशे मेमोरी करता है, और उसके बाद जो डेटा आने वाला होता है ना, मतलब पहला डेटा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद जब दूसरा डेटा आने वाला है उसका एड्रेस भी पहले जो सेव कर लेता है वो सेव कौन करता है, कैशे मेमोरी सेव करता है, ताकि कल को अगर वापिस आपको वो डेटा चाहिए, और फिर क्या करेगा वो डेटा प्रोसेसर जाके सर्च करेगा, वो सबसे पहले किससे पूछेगा, वो रैम से नहीं पूछेगा कि भाई वो डेटा कहाँ पे है जो मुझे चाहिए, वो पूछेगा कैशे मेमोरी से, भाई वो डेटा बताओ कहाँ पे है, तो वो कौन बताएगा, कैशे मेमोरी बताएगा, इसीलिए इसको बोला हुआ सप्लीमेंट्री ऑफ रैम, मतलब कि वो रैम के पास डायरेक्ट प्रोसेसर नहीं जाएगा, वो कैशे मेमोरी के पास जाएगा, भाई बताओ जो डेटा मेरे को वो पहले चाहिए था वो मुझे आज चाहिए, बताओ आपके पास है, वो उसको एड्रेस देगा तो वो डेटा फाइंड आउट कर लेगा, अगर नहीं मिलेगा फिर वो रैम के पास जाएगा, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। और ये सीपीयू की मेमोरी भी है, क्योंकि ये सीपीयू प्रोसेसर के अंदर ही इंस्टॉल, इट इज बिल्ट इन द प्रोसेसर, इसलिए इसको सीपीयू की मेमोरी भी बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी, अब वर्चुअल मेमोरी क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द यूज ऑफ डिस्क विद रैम इन लार्ज स्पेस। अब देखिए आप रैम यूज करें, 2GB रैम, 4GB रैम, 8GB रैम, 16GB, जितनी जीबी रैम आपकी, ठीक है, अब यूज कर रहे हैं। अब इन केस मैंने आपको बोला कि आप कंप्यूटर में जब यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो कहां पे यूज कर रहे हैं, कुछ भी, रैम के ऊपर काम हो रहा है सब, आपको मेमोरी वहां पे शॉर्टेज हो गया, ठीक है, मेमोरी नहीं है, कोई चीज ओपन नहीं हो रहा है, कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको मेमोरी का शॉर्टेज हो गया, तो क्या काम करेगा प्रोसेसर, क्या करेगा प्रोसेसर, जाएगा हार्ड डिस्क के पास, हार्ड डिस्क में एक वर्चुअल मेमोरी होती है, उसने वो पार्ट रखा होता है कि उस मेमोरी को सेव रखा होता है, कि भाई ये मेमोरी जब भी रैम को शॉर्टेज हो जाएगी मेमोरी को, तो वो इस वर्चुअल मेमोरी को यूज करेगा एज अ रैम। ये किसका पार्ट होता है, हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, जो एज अ रैम यूज होता है, तब यूज होगा जब इन लैक ऑफ स्पेस, जब स्पेस कम होगी तब ये जाकर यूज होगा, कौन सी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल्स हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप कौन सी आ गई, रील यूज इन कैमरा, जो कैमरा में पहले जमाने में रील यूज होती थी, कैसेट्स यूज होते थे, ये कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप। ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी, जब हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, तब ये मैग्नेटिक टेप और डिस्क हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तब हम स्टोरेज के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। एनालॉग डेटा, एनालॉग डेटा कौन सा, वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, उसको एनालॉग डेटा बोलेंगे। फ्लॉपी डिस्क हो गया डिजिटल, इसको 01 के फॉर्म में, ऐसे 0101, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, ये इस फॉर्म में, ये डिजिटल डेटा होता है, एनालॉग ये होता है वॉइस और वीडियो के फॉर्म। इसको फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इसकी मैग्नेटिक डिस्क की एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल मेमोरी, CD, DVD, एक्सेट्रा, जिसपे हम राइट और रीड दोनों कर सकते हैं थ्रू लेजर्स, इसपे लेजर्स के थ्रू करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब ही क्या होता है, लाइट, इसलिए लाइट के थ्रू जो करेंगे उसको क्या बोलेंगे। अब फ्लैश मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है, इज अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स डेटा इन द एब्सेंस ऑफ पावर,
वो क्या करेगा, फ्लैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी होती है, जो डेटा अपने पास रिकॉर्ड रखती है, अवेलेबल रखती है, चाहे लाइट चली जाए, जो भी हो, उसके पास डेटा सेव रहता है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव सिक्योर्ड, ये एसडी कार्ड आ गया, सिक्योर डिजिटल। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर, ये साथ में ये भी याद रखें, सिक्योर डिजिटल। कुछ भी आ सकता है जेके एसएसबी में, आपको आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही सरप्राइज होता है। आप सारा कुछ पढ़कर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी पढ़कर जा रहे हैं पूरा सिलेबस में से आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो जनरल अवेयरनेस में से हो, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी किसकी एग्जांपल में आती है, सेकेंडरी मेमोरी की। यूजर ट्रांजिस्टर यूजेस ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टर्स यूज करते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स और रेजिस्टर्स यूज करते हैं स्टोरेज के लिए। एग्जांपल क्या आ गया, रोम, पी रोम। अब रोम की भी आपको काइंड पता है, पहले रोम क्या आता था, मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट उसके बाद चेंज हो, एडवांस में आया पी रोम, आया प्रोग्रामेबल, आप चेंज कर सकते हैं, फिर ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी आ गया। फिर रैम की भी मैं थोड़ी डेफिनेशन टाइप्स बता दूं, एक डी रैम होता है, उसके बाद एक एस रैम होता है, ठीक है, ये डायनेमिक हो गया, ये स्टैटिक हो गया। डायनेमिक को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा मेंटेन रिटेन रखने के लिए, और इसको रिटेन करने के लिए नहीं रखना पड़ता, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ये चीप होता है, ये कॉस्टली होता है, ये ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। आज का मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा दिया आपको, जितना हो सकता था मैंने पूरा कवर किया है, मैक्सिमम जितना इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैं कवर करूंगा। इनकेस कुछ रह भी गया मैं नेक्स्ट वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। इसको बार बार रिवाइज करें, पढ़ें, ठीक है, जितनी बार हो सके। अगर कोई डाउट आप कमेंट्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि हम और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।